इस 3 दिन के ट्रेनिंग में आपको पता नहीं है, आपका सूजा गांव के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों तक मैंने ये बात पहुंचाई है कि हम सूजा में जैविक खेती कर रहे हैं और किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बहुत लोगों ने देखा है, 2 वीडियो लगभग 1000 लोगों ने देखा है ना। तो 1000 लोगों के पास क्या ऐसा खाली वक्त है कि बैठ के हमारा वीडियो देख रहा है, नाच गाना देख रहा होता, नाच गाना तो नहीं हो रहा है लेकिन वो देख रहा है, मतलब यहाँ क्या हम लोग कर रहे हैं उसको रीड कर रहा है। तो हम इस चीज़ों को भुना सकते हैं, क्या भुना सकते हैं कि हम अगर जैविक प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना अनाज पानी जो भी होगा, आपका सर्टिफिकेशन होगा, आपके खेत का सर्टिफिकेशन होगा, और ये सर्टिफिकेशन मामूली नहीं है। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको सरकार कृषि विभाग बेगूसराय का कृषि विभाग आपको उपलब्ध करा रहा है। जितना विभाग एक्टिव है उतना आप एक्टिव नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अगर देश स्तर पे इन चीज़ों को ले जाना है तो आप जिस तरह से बताया जा रहा है, कम से कम एक खेत को पूरी तरह से जैविक करेंगे तो आज आप हाथ उठाइए, है ना, एक खेत को चाहे 5 कट्ठा ही क्यों ना हो हम लोग जैविक करेंगे, है ना, करेंगे ना। तो हम ये बात मैसेज सरकार तक भी भेजेंगे कि हमारे सूजा के किसान इतने तत्पर हैं और इस कार्यक्रम को बखूबी उन्होंने उतारने की कोशिश की है, 100% भी उतार सकते हैं और जितना सुविधा आपको मिले वो भी हम लोग इसको करेंगे। और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग हुआ आपका जैविक खेती पे, आपको कैसा लगा, क्या जानकारी हासिल की, बताइए। बहुत अच्छा लगा और बहुत किसान भाइयों को सब हर चीज़ का जानकारी मिल गया, उस ढंग पर चलने के लिए तैयार हो गए, तो अब क्या चाहिए और चाहिए। बहुत अच्छा, आप बताइए, आप कुछ खेती करते हैं? हाँ। और सब्जी की खेती करते हैं? हाँ। कृषि विभाग की तरफ से जो आज ट्रेनिंग हुआ कितना सफल मानते हैं? करीब करीब 80% हो गया। 80% हो गया। हाँ। और जो जानकारी आपको जैविक खेती कैसे करना है बताया गया। हाँ। वैसा करेंगे ना? हाँ, करेंगे। चलिए, आप बताएं, आप 3 दिन लगातार आए हैं। हाँ। है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बताइए, कुछ सुझाव कुछ देना चाहते हैं या क्या हासिल किया आप इस 3 दिन में? बहुत बारिश में बैठे हैं लेकिन इस 3 दिन के जैसा कभी नहीं सुने थे, बहुत ज्यादा जाने हैं, मतलब लाभप्रद रहा ना? हाँ हाँ, बहुत लाभप्रद, बहुत लाभप्रद। आप बताएं, आप भी एक किसान हैं और प्रगतिशील किसान हैं, किस तरह से इस प्रशिक्षण को लेते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उतारेंगे ना जो जी हम लोग बता रहे हैं? हाँ, सही उतारेंगे। चलिए, रणवीर जी एक युवा किसान हैं। रणवीर जी, आप बताइए, आप 25-30 एकड़ में खेती करते हैं, एक खेत आपको डेडिकेट करना पड़ेगा? सर, करिए रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, एक खेत कर रहे हैं। चलिए, अमित जी आप भी करने के लिए तैयार हैं, कर भी रहे हैं एक एकड़ में? चलिए, आप कर रहे हैं एक एकड़ में? आप भी कर रहे हैं? वाह, तो आप देखिए, हम सचिन जी के पास जाते हैं। सचिन जी, आपने जैविक खेती किया है, है ना, इसको अच्छे तरह से करेंगे और जो प्रशिक्षण मिला है ये लाभप्रद रहा आपके लिए? जी, बहुत लाभप्रद रहा और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हम वेस्ट डिकम्पोजर को देंगे, वेस्ट डिकम्पोजर को देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। सारे किसान यहाँ पे 3 दिन प्रशिक्षण लिया और हम यहाँ के जो ट्रेनर हैं उनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने भी अपने अनुभव बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। आप बताइए कि जो प्रशिक्षण आपने दिया है, 3 दिन का प्रशिक्षण में यहाँ के किसानों की भूमिका बताइए किस तरह का रहा? जहाँ भी ट्रेनिंग देने गए हैं उसकी अपेक्षा यहाँ के किसान हमें बेहद उत्सुक नज़र आए और जैविक खेती करने के प्रति उन्होंने दृढ़ संकल्पता को दोहराई, हम निश्चित रूप से इसको करेंगे। हमको बहुत विश्वास है इन किसानों पर कि अच्छे ढंग से फॉलो भी आगे हो। अगर किसान चाहेंगे कि आपसे कुछ सीखना दोबारा, तो आप थोड़ा मदद करेंगे इनका? हाँ, निश्चित समय देंगे, जब वो बुलाएंगे हम आ जाएंगे। हम यहाँ के कृषि समन्वयक हैं और बहुत एक्टिव हैं और जैविक खेती की जो सफलता है इनका श्रेय इनको जाता है और हम प्रभात जी से जानना चाहेंगे, किसान इस तरह से एक्टिव हैं, क्या देखते हैं किसानों के लगाव को, क्या किसान कर सकते हैं?
किसान यहाँ के बहुत ही उत्सुक है। पूर्व से भी ये कुछ लोग इस तरफ जैविक खेती की तरफ अग्रसर थे, और जब से ये कृषि विभाग के द्वारा योजना दी गई है तो इसमें और बढ़ोतरी हुई है। और पूर्व से भी लगभग 20 किसान जो है यहाँ पर देसी गाय लाए हुए थे, और देसी गाय के द्वारा जो गोबर और गौमूत्र है और गाय का दूध है उसका उपयोग ये लोग दूध को खाने में और उसका जो गौमूत्र और गोबर है उसका खेतों में अच्छे ढंग से तैयार करके कर रहे थे। अब हमें उम्मीद है जो इस प्रशिक्षण के बाद और उसमें अग्रतर वृद्धि होगी। हमारे एक बहुत सफल ट्रेनर भी और कृषि समन्वयक भी हैं। इनका जो ट्रेनिंग था बहुत खास था, बहुत व्यावहारिक इन्होंने बताया। किसानों का नज़रिया क्या देखते हैं, हमारे जो किसानों की उपस्थिति थी इसके बारे में बताएं कुछ। हम जो सूजा पंचायत में इस जैविक कॉरिडोर फेज टू योजना में जो हम प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ आए, उसमें यहाँ के जो किसान सलाहकार हैं कृष्ण कुमार कन्हैया, उन्होंने जो सबसे पहले किसानों को जागरूक किया ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास माइकोराजा का जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया अपने खेतों में किसानों का, उन लोगों का फीडबैक आया बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ के कृषि समन्वयक प्रभात जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे अधिक धन्यवाद मैं यहाँ के किसानों को देता हूँ कि मैं 3 दिन लगातार यहाँ आया, बैठा भी रहा, प्रशिक्षण भी दिया, और इन लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और अभी संकल्प लिया है इन्होंने कि हम करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ के किसानों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, और एक जोरदार ताली होना चाहिए, है ना, जोश के साथ एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ये इस तरह का किसान का जोश है, और हम चाहेंगे विभाग सरकार इसको देखे और हमारे किसानों की उन्नति में सहभागी करे। धन्यवाद।